हेलो एंड वेलकम ऑल, माई सेल्फ नीतू गुप्ता फ्रॉम NLS IU बेंगलुरु. इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी लीगल रीजनिंग अंडर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. सो लेट अस स्टार्ट विद कैपेसिटी ऑफ दी पार्टीज. लास्ट सेशन में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लीगल प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. नाउ इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैपेसिटी ऑफ दी पार्टीज. कैपेसिटी ऑफ दी पार्टीज में क्या है कि ये एक एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का, कि जब भी कोई पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. इज इट अ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कि पार्टीज मेजर होनी चाहिए एंड दे शुड नॉट बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इन टू कॉन्ट्रैक्ट. और थर्ड क्या, पर्सन अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, ही मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड. तो मेजॉरिटी मीन्स पर्सन 18 ईयर्स और अबव होना चाहिए, देन ही कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज ही कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. पर्सन ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड. साउंड माइंड आपको कहाँ पर डिफाइन किया गया, सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है साउंड माइंड. साउंड माइंड क्या कह रहे हैं कि सपोज अगर इंटरवल्स में आप लुनाटिक हो, तो जिस टाइम पे आप लुनाटिक नहीं हो, यू आर ऑफ साउंड माइंड, एट दैट टाइम यू कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज यू कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. और थर्ड क्या है कि पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ टू कॉन्ट्रैक्ट, इन कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो गया. नेक्स्ट है नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट. अभी मैंने आपको बताया है कि कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो पर्सन मेजर है 18 और अबव 18. सो अगर कोई माइनर एग्रीमेंट कर रहा है तो वो एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है. इट इज़ वॉइड एब इनिशियो, दैट इज़ इट क्लियर. सो इस पे बहुत इम्पॉर्टेंट केस लॉ है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. यहाँ पे माइनर ने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर दी थी मनी लेंडर को, और उसने मनी लेंडर से 10,000 रुपये का लोन ले लिया था. इज इट क्लियर? अब वो मनी लेंडर को डाउट था कि द पर्सन इज़ अ माइनर, फिर भी उसने इंक्वायरी करने के बाद भी उसको पैसे उधार दे दिए. तो यहाँ पे जो प्रिवी काउंसिल था, बहुत पुराना केस है, जैसे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है प्रिवी काउंसिल दे, तो प्रिवी काउंसिल ने क्या कहा था कि जो मनी लेंडर है ही इज़ नॉट इंटाइटल टू गेट दी मनी बैक विच वॉज एडवांस टू दी माइनर, क्योंकि जो जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर? इस वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ. सो एग्रीमेंट क्या था? वॉइड एब इनिशियो. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग अनसाउंड माइंड. अनसाउंड माइंड क्या है कि अनसाउंड माइंड का पर्सन जो इसका माइंड ही इज़ नॉट एबल टू नो दी नेचर ऑफ दी केस, जो वो कर रहे हैं ही इज़ डोंट नो कि व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रारी टू लॉ. तो उसका मेंटल डिसऑर्डर ही ठीक नहीं है, देन हाउ ही कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. सो अगर उस पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ साउंड पर्सन के साथ ही कर सकते हो. और जो पर्सन मेंटल एजलिम है, लुनाटिक है, वो सिर्फ एग्रीमेंट में तभी एंटर कर सकता है कि उस इंटरवल्स पे जब वो साउंड माइंड पे है. इज इट क्लियर? सो दिस वाज रिगार्डिंग दी कॉम्पिटेंसी ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, देन द नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट, देन व्हाट इज द अनसाउंड माइंड. सो लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक्स. 11th क्या है? अ माइनर्स एग्रीमेंट इज एब्सोल्युटली वॉइड, कि जो माइनर का एग्रीमेंट है वो एब्सोल्युटली वॉइड है. फैक्ट्स क्या है? कुकू जिसकी एज 16 थी, एज 16 एंड ही इज अ स्टैम्प कलेक्टर. नाउ ही इज पर्टिकुलरली एनेक्सियस टू गेट अ रेयर स्टैम्प बिलोंगिंग टू मनोज, who agrees in writing to sell this to Cuckoo for rupees 100. But subsequently उन्होंने refuse कर दिया था कि वो Cuckoo को deliver नहीं करेंगे, दो Cuckoo pays rupees 100. Cuckoo now wants to sue Manoj. Will he succeed? तो क्या अब ये succeed कर सकते हैं Cuckoo? He is of age 16, minor है ये. Is it clear? Now see the options. Cuckoo cannot succeed as Manoj is not liable. Cuckoo can succeed as he paid rupees 100 for the stamp. Third option, Cuckoo can succeed as Manoj agreed in writing to sell the stamp.
अब ये कह रहा है, नो डाउट एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, बट माइनर हमेशा बेनिफिट अवेल करेगा कॉन्ट्रैक्ट का, कि कॉन्ट्रैक्ट में जो भी बेनिफिट है वो अवेल करेगा, बट ही कैन नॉट मेड लाइबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय हिम, सो हायर आंसर विल बी बी ऑप्शन, कुकू कैन सक्सीड एज ही हैज पेड रुपीज 100 फॉर द स्टैम्प. इज इट क्लियर? नेक्स्ट 12th, a person who is usually of sound mind, principle बता रहे हैं, section 12 पे based है ये, person जो usually sound mind का है but occasionally of unsound mind, he may not make a contract, कब? जब वो unsound mind का है. so person who usually of unsound mind but occasionally of sound mind, वो कब contract कर सकते हैं? जब वो sound mind के हैं. नाउ फैक्ट्स क्या है इसके? राजेंद्र जो कि पेशेंट है फैनेटिक आइजोलाइम का, इज एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड. इज इट क्लियर? कैन राजेंद्र कॉन्ट्रैक्ट एट इंटरवल्स? इंटरवल्स में वो कर सकता है. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? येस, बिकॉज ही इज़ ए ह्यूमन बींग. नहीं, ह्यूमन बींग का यहाँ पर कोई इशू नहीं है. ये क्या है कि ही वॉज अ पेशेंट ऑफ फैनेटिक एजलाइम एंड इंटरवल्स में वो साउंड माइंड का है, तो वो क्या इंटरवल्स में राजेंद्र कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. तो फर्स्ट ऑप्शन येस है, लेकिन यहाँ पे रीज़न क्या दी? क्योंकि ये ह्यूमन बींग है, नथिंग ऑफ लाइक दैट. सेकेंड ऑप्शन नो. थर्ड ऑप्शन येस, बिकॉज ही इज ऑफ साउंड माइंड ड्यूरिंग दोज इंटरवल्स. इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका फ्री कॉन्सेंट का. नाउ फ्री कॉन्सेंट क्या है? कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमेशा फ्री कॉन्सेंट पार्टीज़ की होनी चाहिए. अगर पार्टीज़ की फ्री कॉन्सेंट नहीं होगी तो एग्रीमेंट आपका वैलिड नहीं होगा, इट इज़ वॉइडेबल. इज इट क्लियर? सपोज़ फॉर एग्जांपल, अगर अब आपके सर पे कोई बंदूक रख के कह रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करो, तो क्या आपकी फ्री कॉन्सेंट है? आपकी फ्री कॉन्सेंट नहीं है इसमें, ठीक है? तो देयर मस्ट बी अ फ्री कॉन्सेंट रिगार्डिंग दी फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर? सो ये कॉन्सेंट है, द टर्म कॉन्सेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक, इज इट क्लियर? कॉन्सेंट सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया है. क्या है? जहाँ पे पार्टीज के माइंड मीट कर रहे हैं एट द सेम टाइम एंड एट द सेम थिंग. इज इट क्लियर? नाउ द टर्म फ्री कॉन्सेंट ये कहाँ पे दिया गया है? सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो द कॉन्सेंट को फ्री कब कहते हैं? सेक्शन 14 में क्या कहा गया है? और कॉन्सेंट इज सेड टू बी फ्री अनलेस इट इज कॉज्ड बाई कॉर्जन अंडर सेक्शन 15, अंडू इन्फ्लुएंस अंडर सेक्शन 16, फ्रॉड अंडर 17, मिसरिप्रेजेंटेशन अंडर 18, मिस्टेक अंडर सेक्शन 20, 21 एंड 22 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट. सो ये नहीं है कि सिर्फ कॉन्सेंट दे दी है तो वो वैलिड एग्रीमेंट बन जाएगा, फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए. इज इट क्लियर? सो अगर कोई भी कॉन्सेंट थ्रेट के अंडर, डरावे के अंडर, कॉर्जन के अंडर, अंडू इन्फ्लुएंस के अंडर है तो वो फ्री नहीं है. इज इट क्लियर? सो वैलिड एग्रीमेंट तभी बनेगा जब कॉन्सेंट आपकी फ्री होगी. सो लेट अस डिस्कस दिस वन बाय वन कि कॉर्जन क्या है, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक. नाउ कॉर्जन ये जो सेक्शन 15 के अंदर डिफाइन है आपका, कॉर्जन क्या है? ये इट इज़ कमिटिंग और थ्रेट टू कमिट एन एक्ट विच इज़ फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, दैट इज़ अ वायलेंट एक्ट. इसका मतलब क्या है कि टू डिटेन अ थ्रेट और टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, कि आप किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन कर रहे हो या किसी पर्सन को डिटेन कर रहे हो, और किस पर्पज से आप डिटेन कर रहे हो, आपकी इंटेंशन क्या है? टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आपके सर पे कोई बंदूक रख के कह रहा है कि ये एग्रीमेंट साइन करो, तो वो क्या है? कॉर्जन ही तो है. इज इट क्लियर? अगर किसी को कह रहे हो कि आपका बच्चा हम किडनैप कर लेंगे, तो वो भी कॉर्जन है. तो हेंस एग्रीमेंट आपका क्या होगा? इट इज वॉइडेबल. क्योंकि वहाँ पे वॉइडेबल क्या है? जहाँ पे एक पर्सन की कॉन्सेंट है और एक पर्सन की कॉन्सेंट नहीं है. इज इट क्लियर?
नेक्स्ट इज रिगार्डिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 16. अब यहाँ पे क्या है, पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए. रिलेशनशिप में इन द सेंस कि देयर मस्ट बी सर्टेन रिलेशनशिप, वो और रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस करना चाहिए. जैसे कि डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन है, स्टूडेंट टीचर का है, फादर बच्चे का है, देन टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है. ये सारे रिलेशनशिप अनड्यू इन्फ्लुएंस में है. तो यहाँ पे एक पार्टी डोमिनेटिंग पार्टी है और दूसरी पार्टी को डोमिनेट किया जा रहा है. तो इट मींस वन पार्टी सुपीरियर पार्टी एंड अदर इज इन्फीरियर पार्टी. नाउ प्लीज डू रिमेम्बर कि यहाँ पे जो मैंने सुपीरियर और इन्फीरियर पार्टी बोल रही हूँ वो रिच पुअर के इशू में नहीं है. अरे ये सिर्फ उसमें है कि किसकी पोजीशन हाई है, सुपीरियर है. जैसे डॉक्टर और पेशेंट, सपोज़ एक पेशेंट ही इज़ वेरी वेरी रिच और वो डॉक्टर के पास जा रहा है और डॉक्टर उससे कम रिच है, तो यहाँ पे अब सुपीरियर पोजीशन किसकी है, डॉक्टर की है. क्योंकि वो पेशेंट ऑलरेडी टोटली डॉक्टर पर रिलाय है कि उसको जो बीमारी है उसको डॉक्टर ही ठीक करेगा. तो यहाँ पे सुपीरियर पार्टी कौन सी है, डॉक्टर, और इन्फीरियर पार्टी इज़ द पेशेंट, हाउ रिच ही इज़. इज़ इट क्लियर? तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर रही है. जो सुपीरियर पार्टी है वो इन्फीरियर पार्टी को डोमिनेट कर रही है, दैट इज़ अ अनड्यू इन्फ्लुएंस. फिर उसे अब डॉक्टर पेशेंट को बोल रहे हैं मैं ये तभी आपको ऑपरेट करूँगा अगर आप ये एग्रीमेंट साइन करोगे, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो वो क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग मिस रिप्रेजेंटेशन दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 17. नाउ मिस रिप्रेजेंट सॉरी अनड्यू इन्फ्लुएंस से पहले फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बाद फ्रॉड आता है, दैट इज सेक्शन 17. यहाँ पे फ्रॉड का सपोज दिया नहीं है, हाँ यहाँ पे दिया नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फ्रॉड क्या है. मिस रिप्रेजेंटेशन के अंडर ही फ्रॉड को एक्सप्लेन किया गया है. तो फ्रॉड सेक्शन 17 में डिफाइंड है. वो क्या कहता है कि जहाँ पे इंटेंशनली आप किसी को मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हो, इज इट क्लियर? आपको पता है कि जो आप स्टेटमेंट दूसरे पर्सन को बता रहे हो, स्टेटमेंट दे रहे हो, वो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. आपको पता है कि वॉट इज़ दी राइट, सच क्या है, तो दैट इज अ मिस रिप्रेजेंट सॉरी दैट इज अ फ्रॉड. और सेक्शन 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन है. मिस रिप्रेजेंटेशन में भी यू आर मेकिंग अनवॉरंटेड स्टेटमेंट. नाउ सी, फ्रॉड में भी स्टेटमेंट कर रहे हो, मिस रिप्रेजेंटेशन में भी स्टेटमेंट दे रहे हो, बट डिफरेंस क्या है कि फ्रॉड में आप इंटेंशनली उसको गलत स्टेटमेंट दे रहे हो, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या है, आपको खुद को ही नहीं पता है, आप भी जो स्टेटमेंट दूसरे पर्सन को दे रहे हो यू आर बिलीविंग दैट स्टेटमेंट टू बी अ ट्रू. इज इट क्लियर? सेक्शन 17-18 क्लियर? नाउ कम सेक्शन 20, 21, 22, दैट इज ऑफ मिस्टेक. मिस्टेक अगर हम जनरल बात करते हैं मिस्टेक की, तो व्हाट डू यू मीन बाय मिस्टेक? मिस्टेक मींस गलती. तो लॉ के है कि जहाँ पे मिस्टेक है, मिस्टेक हमेशा फैक्ट की होगी, लॉ की नहीं होगी. इज इट क्लियर? मिस्टेक विल ऑलवेज बी ऑफ फैक्ट एंड नॉट ऑफ लॉ, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. आप कहोगे मुझे, आपने ऑफेंस कर दिया, आप कहोगे मुझे नहीं पता था कि ये लॉ है हमारा और ये ऑफेंस है. बिकॉज लॉ, ये जो लॉ है ये प्रिज्यूम किया जाता है कि एवरीबडी नोज द लॉ ऑफ द कंट्री, लॉ ऑफ द प्लेस. इज इट? सो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, ओनली मिस्टेक ऑफ फैक्ट विल बी कंसिडर्ड. इज इट क्लियर? अब ये जो मिस्टेक है वो एक पार्टी को भी मिसलीड कर सकती है, दोनों पार्टीज को भी मिसलीड कर सकती है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर? सो मिस्टेक मस्ट बी रिलेटेड टू सम फैक्ट विच इज एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर? नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन फ्री कंसेंट. सेक्शन 13 आपका क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? प्रिंसिपल यहाँ पे बोला है इन्होंने कि जो दोनों पार्टीज हैं एग्रीमेंट के, दे आर अंडर अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा. वी आर बोथ दी पार्टीज टू एन अग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इज वॉइड. नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ दिस केस? Ram agrees to buy from Shyam a certain horse. इज इट क्लियर? राम ने श्याम के साथ एग्रीमेंट किया था कि वो श्याम से एक घोड़ा खरीदेगा. जिस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, एग्रीमेंट कर रहे थे, पता लगा कि हॉर्स की डेथ हो गई है, पर दोनों पार्टीज को इस बारे में पता नहीं था कि हॉर्स की डेथ हुई है.
नाउ ये जो श्याम और राम के बीच में एग्रीमेंट हुआ था वो वैलिड एग्रीमेंट है या वॉइड एग्रीमेंट है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? येस बिकॉज राम एंड श्याम वर फ्रेंड्स. सेकेंड ऑप्शन, येस बिकॉज राम एंड श्याम वर अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट विच इज एसेंशियल टू द अग्रीमेंट. थर्ड, नो बिकॉज राम वॉज इन्फॉर्म द हॉर्स बींग डेड. फोर्थ ऑप्शन, नो बिकॉज श्याम वॉज इन्फॉर्म ऑफ द फैक्ट. अब देखो, अगर पहला ऑप्शन देखें तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि अग्रीमेंट अवॉइड होगा क्योंकि वो फ्रेंड्स हैं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है. सेकेंड ऑप्शन देखो, बिकॉज राम एंड श्याम वर अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट विच इज एसेंशियल टू द अग्रीमेंट, तो ये अग्रीमेंट वॉइड होगा. क्यों? क्योंकि राम और श्याम दोनों को ही नहीं पता था उस टाइम पे कि घोड़ा मर चुका है. इज इट क्लियर? थर्ड, नो बिकॉज राम वॉज इन्फॉर्म्ड द हॉर्स बींग डेड. ये भी नहीं उसको इन्फॉर्म किया था क्योंकि दोनों पार्टीज को पता ही नहीं था. फोर्थ ऑप्शन, नो बिकॉज श्याम वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ द फैक्ट. इज इट क्लियर? तो दोनों पार्टीज को नहीं पता था, तो बेस्ट आंसर इज दी बी ऑप्शन. क्लियर? नेक्स्ट क्या है आपका 14th. वेयर अ पर्सन लॉफुली डज. प्रिंसिपल क्या है कि जहाँ पे कोई पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेचुअसली एंड सच अनदर पर्सन इंजॉयज द बेनिफिट देयर ऑफ लेटर इज बाउंड टू मेक कॉम्पनसेशन टू द फॉर्मर इन द रिस्पेक्ट और टू रिस्टोर द थिंग्स वो डन और डिलीवर्ड. इसे क्यों? देखो फिर से, यह प्रिंसिपल थोड़ा सा लंबा है, इसको ब्रेक कर लो आप पॉइंट्स में, इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. इसे क्यों मैं रिपीट कर रही हूँ? अब ये जहाँ पे पर्सन कुछ लॉफुली कुछ कर रहा है किसी दूसरे पर्सन के लिए या उसको कुछ डिलीवर कर रहा है एंड उसकी वहाँ पे इंटेंशन क्या है, नॉट टू डू ग्रैचुटिसली, मींस कि वो उसे पेमेंट के लिए काम कर रहा है एंड सच अनदर पर्सन और दूसरा पर्सन बेनिफिट वो इंजॉय कर रहा है, सो लेटर इज बाउंड टू मेक द कॉम्पनसेशन. जो इंजॉय कर रहा है वो उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा दूसरे पर्सन को जिसने उसे बेनिफिट दिया है और टू रिस्टोर द थिंग्स वो डन नॉट डिलीवर. नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स? एक ट्रेड्समैन है, लीव्स गुड्स एट बीज हाउस बाय मिस्टेक. ए अ ट्रेड्समैन लीव्स गुड्स एट बीज हाउस बाय मिस्टेक. बी ट्रीट्स द गुड एज हिज ओन एंड यूजेस इट. गलती से ए ने बी के घर में कुछ गुड्स छोड़ दिए, बी ने उनको अपना गुड्स मान के यूज कर लिए. नाउ इज बी बाउंड टू रीपे? ऑब्वियसली यस. सो ऑप्शन अब यहाँ पे येस ऑप्शन आ रहा है, ठीक है. फिर भी आपको पता है यहाँ पे 3 गिवन ऑप्शंस हैं. आप स्क्रीन्स पे अगर देख रहे हो, यू आर सीइंग दैट देयर आर 3 गिवन ऑप्शंस जिसमें से 2 ऑप्शंस में नो है. सो प्लीज़ फिर भी आप ब्लाइंडली, मैं आपको ये बोलूँगी ब्लाइंडली येस मत मार्क कर देना क्योंकि आप उसका रीज़न भी देखो, वॉट इज़ द रीज़न फॉर दैट. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? नो बिकॉज ए एंड बी आर फ्रेंड्स. ये तो बिल्कुल काट दो आप. येस बिकॉज ए इज नेवर इंटेंडेड टू लीव गुड्स एट बीज हाउस. ठीक है, क्योंकि हमें फैक्ट्स में यहाँ क्लियरली बताया गया वो गलती से छोड़ गए हैं, तो उनकी इंटेंशन नहीं थी, वो बी के लिए गुड्स बी के घर पे छोड़ के गए हैं. थर्ड ऑप्शन क्या है? नो बिकॉज ए लीव्स द गुड एट बीज हाउस ड्यू टू हिज ओन फॉल्टी एबिली है. तो आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन. अब कई बार आप मार्केट जाते हो, आपके पास काफ़ी पॉली बैग्स हैं, तो उसमें क्या है, कई बार आप एक दूसरी शॉप पे जा रहे हो, गलती से वहाँ पे छोड़ दिया, तो इट डजेंट मीन कि शॉपकीपर आपको वो बैग नहीं देगा जब आप वापस लेने आए. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है प्रिंसिपल? 15th क्वेश्चन. A person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return it. Is it clear? जिसको अगर किसी person को money pay कर दिए हैं या कुछ deliver कर दिया है by mistake or under coercion, then he must repay or return it. Is it clear? So facts क्या है? सीता और गीता जॉइंटली वो उन्होंने मीना से 100 रुपया लिया था. उन्होंने मीना को 100 रुपया वापस करना है, 100 रुपीज़ वापस करने हैं. नौ सीता ने मीना को अकेले ही पैसे वापस कर दिए. गीता को ये फैक्ट नहीं पता था कि सीता ने मीना को ऑलरेडी 100 रुपीज़ पे कर दिए. तो गीता ने भी क्या किया? गीता ने भी 100 रुपीज़ मीना को पे कर दिए. नाउ क्वेश्चन इज, क्या मीना बाउंड है कि गीता को वापस 100 रुपया दे? ऑब्वियसली
इज इट क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? नो, तो ये तो नहीं आएगा. सेकेंड ऑप्शन येस, सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स, ये भी नहीं आएगा. थर्ड फैक्ट्स नॉट क्लियर, ऐसा कुछ है नहीं, फैक्ट्स क्लियर है. फोर्थ येस बिकॉज गीता हैज़ पेड मीना अनोइंगली और अंडर मिस्टेक, इज इट क्लियर? तो फोर्थ ऑप्शन आएगा कि गीता ने मीना को पे कर दिया अनोइंगली और अंडर मिस्टेक. नेक्स्ट प्रिंसिपल, इफ देयर इज अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन द पार्टी टू एन एग्रीमेंट ही मे रिफ्यूज़ टू परफॉर्म द एग्रीमेंट. तो पहला प्रिंसिपल क्या है कि अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस है पार्टी पे ऑन एन एग्रीमेंट, वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं एग्रीमेंट को परफॉर्म करने के लिए, इज इट क्लियर? सो अनड्यू इन्फ्लुएंस मैंने आपको क्या बताया था, अनड्यू इन्फ्लुएंस है जहाँ पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर रही है, इज इट क्लियर? तो सेकेंड ऑप्शन क्या प्रिंसिपल क्या है आपका कि जहाँ पे एक पार्टी है एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट हो रहा है और वहाँ पे एक पार्टी इस पोजीशन में है कि वो दूसरी पार्टी की को डोमिनेट कर सकती है और वो अपनी पोजीशन यूज़ कर रही है, जैसे डॉक्टर पेशेंट पे अपनी पोजीशन को यूज़ कर रहे हैं तो कोई एग्रीमेंट करने के लिए, वो क्या होगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा. नाउ लेट अस लुक एट द फैक्ट्स. लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड ने टेनेंट से कहा टू एग्री टू इंक्रीज द रेंट, जितना रेंट पहले था उसका डबल. या तो रेंट बढ़ा दो, लैंडलॉर्ड टेनेंट से कह रहे हैं कि रेंट डबल कर दो, कि जैसे 10,000 रेंट था तो अब 20,000 कर दो, या फिर ये घर छोड़ दो. अब टेनेंट के पास एज सच कोई ऑप्शन नहीं था, तो टेनेंट ही एग्री टू गिव द डबल द प्रीवियस रेंट. 10,000 के बजाय वो 20,000 देने के लिए रेडी होगा, रेडी हो गया एंड ही कॉन्टिन्यूड लिविंग इन द हाउस. अब बाद में उसने टेनेंट है, ही रिफ्यूजेस टू पे द डबल रेंट. अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे फैक्ट्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पे लैंडलॉर्ड अपनी, लैंडलॉर्ड इज़ अ सुपीरियर पार्टी और वो टेनेंट पे अपने पोजीशन को यूज़ कर रहा है, डोमिनेट पोजीशन को डोमिनेट कर रहा है टेनेंट को, ठीक है, कि या तो डबल कर दो रेंट या फिर घर छोड़ दो. सो विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर्स डू यू थिंक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. तो ऑप्शंस देखो, टेनेंट, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टेनेंट हैज़ टू पे न्यू रेंट, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे डोमिनेट पोजीशन यूज़ कर रहे हैं अपनी. सेकेंड क्या है, टेनेंट हैज़ टू पे दी ओल्ड रेंट एंड कॉन्टिन्यू टू ऑक्यूपाई दी हाउस. थर्ड क्या है, टेनेंट हैज़ टू पे दी ओल्ड रेंट बट वेकेट दी हाउस विद इन अ रीजनेबल टाइम. तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है. तो सेकेंड विल बी दी बेटर ऑप्शन, टेनेंट हैज़ टू पे दी ओल्ड रेंट एंड कॉन्टिन्यूज टू ऑक्यूपाई दी हाउस, इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे लैंडलॉर्ड उस पोजीशन में है कि वो टेनेंट को डोमिनेट कर सकता है और वो अपनी पोजीशन को यूज़ कर रहे हैं टू गेट द रेंट डबल, तो ये अग्रीमेंट क्या होगा? वॉइडेबल, इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज 17th. नाउ 17th क्वेश्चन आपका, प्रिंसिपल देखो, When a person represents to another something as a true fact, person ने किसी को represent किया as a true fact और उसको ही knowledge में है कि ये जो fact वो दूसरे को represent कर रहे हैं वो true नहीं है, तो वो क्या होगा? Fraud होगा. It is not misrepresentation, क्योंकि उसको knowingly पता, उसको है इसके दिमाग में कि ये fact true नहीं है. The person subjected to fraud may avoid an agreement. Is it clear? Now, what are the facts? A presents a horse for sale. Horse को display पे रख दिया कि अगर किसी कोई interested है वो इस horse को examine कर सकते हैं. Horse का cracked hoof है और it is and जो cracked hoof था उसको cleverly conceal किए कर दिया था owner ने. इज इट न्यू? बी अब ए को कहता है इफ़ यू डू नॉट डिनाई इट, बी टेल्स ए जो एग्जामिन करने आया था, इफ़ यू डू नॉट डिनाई इट आई शेल एज्यूम दैट हॉर्स इज साउंड, इज इट न्यू? कि अगर आपने मना नहीं किया मैं क्या एज्यूम करूँगा कि हॉर्स साउंड है. नाउ ए कीप्स साइलेंट. अब ए साइलेंट था तो उसने क्या है कि अगर अब ए ने नहीं डिनाई किया ही साइलेंट, तो बी ने क्या अज्यूम कर लिया, घोड़ा साउंड माइंड का है, इज इट क्लियर?
सो वॉट इज द पोजिशन रिगार्डिंग दिस? देखो अब उसने क्या बोला था कि अगर मना नहीं करोगे, अब ए ही वॉज साइलेंट, उसने ना ही तो मना किया है और ना ही इसने कहा है कि नहीं, ना भी नहीं किया, उसने ये भी नहीं कहा कि गोर्स साउंड माइंड का है और ये भी नहीं कहा हॉर्स साउंड माइंड का नहीं है, कुछ भी नहीं बोला, वो ही साइलेंट, और बी ने घोड़ा खरीद लिया। इज इट क्लियर? नाउ सी दी ऑप्शंस, वेदर बी कैन अवॉइड द एग्रीमेंट ऑन डिस्कवरी ऑफ डिफेक्ट, नहीं भी अवॉइड कर सकता। सेकेंड क्या है, बी कैन नॉट अवॉइड द एग्रीमेंट एज द हॉर्स वॉज ऑन डिस्प्ले एंड ही कुड हैव सेटिस्फाइड हिमसेल्फ ऑफ इट्स साउंडनेस बाय पर्सनल एग्जामिनेशन, इज इट? तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि बी है वो अवॉइड नहीं कर सकते एग्रीमेंट को, एज द हॉर्स वॉज ऑन डिस्प्ले एंड ही कुड हैव सेटिस्फाइड हिमसेल्फ ऑफ इट्स साउंडनेस बाय पर्सनल एग्जामिनेशन। थर्ड ऑप्शन क्या है, बी कैन नॉट अवॉइड द एग्रीमेंट एज ए डिड नॉट मेक एनी रिप्रेजेंटेशन टू मिसलीड हिम, ही मेयरली केप्ट साइलेंट सो दैट बी कुड फाइंड थिंग्स आउट बाय हिमसेल्फ, इज इट क्लियर? सो दिस इज द बेस्ट आंसर, क्लियर? क्योंकि हमें क्लियरली बताया गया है सेक्शन 17 में कि मेयर साइलेंस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉड, इज इट क्लियर? सो गाइज, दिस वॉज रिगार्डिंग द फ्री कॉन्सेंट। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी डिस्कसिंग वॉइड एग्रीमेंट्स। थैंक यू।